बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह हमारे पास एक नन्ही सी जान है, बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। आपको दिखाते हैं उसको, वो भी देखो क्या कह रही है। वो दूध के लिए क्या समझ रहे, बिधर से मुझे दूध मिलना है। और ये है वो नन्ही सी जान, ये अपनी बकरी जो थी ना, उसके ये वहाँ काफ़ी बीमार हो गया था, उधर से हम इधर इसे घर ले आए। और ये अभी इसके दूध आ गया, आपके भाई दूध लाया था, गर्म है, ये दूध लाया, अभी इसे दूध पिला रहे। और रात को 12 बजे गए वाशरूम की तरफ और ये उठा हुआ था, पूरे कमरे में ये चल रहा था दूध के लिए। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सुना कैसे लग फलो कर आप ठीक है। और आप लोगों के लिए दुआ दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों के लिए रखे। तो माशाल्लाह मौसम काफ़ी बारिश कर रहा है, पिछले दिनों में बारिश रहेगी, आज तो माशाल्लाह कुछ धूप का इम्कान है, धूप निकल रही है। तो ये आप लोगों के साथ हमने शेयर करना सोचा, ज़रूर शेयर करेंगे। जो बच्चा अगले दिन हमारी बकरी सोई थी उसने बच्चा दिया था, दो दिए थे, लेकिन ये बहुत कमज़ोर हो गया था, पता नहीं जब तक ऊपर से बारिश शुरू हो गई इस वजह से क्या मसला बना है। तो ये बेचारा ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल इसका एंड हो गया, लेकिन हमने इसको उठा कर रात ले आए घर से, इसको आग जा के पास रखा, गर्म किया, इसको बिस्तर बना कर दिया छोटा सा। अभी यहाँ पे ये फीडर पे हम इसको दूध पिला रहे, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत एक्टिव हो गया, ठीक हो गया, सही छलांगे मार रहा है। रात को जिस जगह पे हम इसको पहले बिठाते थे वहाँ से अभी रात पोट किया था, पूरे कमरे में चक्कर लगाता रहा। तो अभी मैं दूध ले कर तो अभी इसको सारा दूध पिला रहे हैं। पहले तो इसका फीडर का इतना सारा दूध होता था, लेकिन अभी माशाल्लाह आधा फीडर पी लेता, अभी तो कह रहा है दूध ले आओ। बिल्कुल पहले ऐसा लगता था कि शायद ये बचे ही ना, लेकिन अल्लाह पाक की मर्जी होती है, अल्लाह पाक से इसको जिंदगी दे जिसको मौत दे, ये अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन हमने तो ये नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह पाक ने तो हमारे लिए ये फैसला किया था कि नहीं ये बचेगा इंशाल्लाह। तो ये इंसान के लिए जो भी अल्लाह पाक फैसला करता है वो बेहतरीन का फैसला होता है। एक और इंदा पास से तो करो जीवी चिंता अल्लाह देखो आए कि नहीं। बड़ा बड़ा तंग कर दिया तुझे माशाल्लाह। आज सूरज का मुंह देखा है, कम से कम 4-1 दिन हो गए हैं, बारिश काफ़ी थी और डेरे पे भी काम हुआ इसी तरह ही करना पड़ता था, बारिश में बहुत मुश्किल होती थी। आज धूप निकली है पर मुझे साफ पहुँचा रखा माशाल्लाह। अभी हर चीज़ में बहुत ही सब्ज सब्ज आ गया और बारिश भी काफ़ी हो गई है। बारिश इस तरह थी जिस तरह धुंध सी होती है, लेकिन ऐसे कल जो बारिश थी ना परसों परसों बहुत ज़्यादा बारिश थी। कल फिर कुछ थोड़ी देर किस वक्त धूप निकलती थी, किस वक्त बादल होते थे, लेकिन कल परसों बहुत ज़्यादा बारिश थी। ये वो अम्मी की ज़मीन है और अम्मी ने सब्ज़ी लगाई हुई है। ये प्याज देखो माशाल्लाह, ये प्याज शाख निकाले खड़ी हैं। और ये धनिया साथ पालक है, अक्सर जब भी हम पकौड़े बनाने हो यहीं से पालक धनिया ले लेते। ये मोहम्मद आकिम ने देखो ना अपनी सहेली का हाल क्या किया, ये इतनी इमरजेंसी में उसने ली थी उस दिन, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। जब वो आपके भाई गए 4000 की ये साइकिल आई थी और एक दिन भी नहीं उसने चलाई, ये एक दिन भी चलाई कुछ है इसी तरह ये इसके यहाँ होते हैं पैदान से, वो इसने कहीं गिरा दिए। और अभी ये देखो सारी पड़ी है बारिश पे।
मेरी माशाल्लाह तो कह ले मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है पिछले दिनों में और अभी भी तबीयत इसी तरह ठीक नहीं हो रही है। अभी मेरी आवाज़ भी आपको मालूम हो रही है कि पहले से बहुत चेंज है। और दूसरा ये गला सारा ये ख़राब रहता है यहाँ से, तो खांसी काफ़ी है, सारा रात खांसी होती है। आपके भाई जो बेचारे काफ़ी सिर पर चेंज करके अभी तक तो ठीक हो ही गई। मैंने अभी सिर पर ही छोड़ दी, मैंने कहा मैं लेनी ही नहीं है कि जब ठीक होती ही नहीं है खांसी। तो बुखार पहले था, अभी अलग किया, अभी बुखार तो अभी मेरा बेहतर हुआ और काफ़ी उल्टी शुलटी हैं, काफ़ी खराब रहती है, अभी कुछ भी आकर बेहतर नहीं है। तो आप लोगों के साथ वीडियो इस तरह की शेयर करती रहूँगी और अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अपनी फैमिली का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।